नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। करवा चौथ के पर्व की आप सभी को, पूरे देशवासियों को, सभी सुहागिनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका करवा चौथ का त्यौहार सफल हो, आपकी हर कामना पूर्ण हो, आपकी हर इच्छा पूर्ण हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। करवा चौथ के त्यौहार की बात करते हैं तो पूजा की बात करते हैं, यानी संध्या की पूजा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और संध्या की पूजा के साथ साथ जो पूजा में सामग्री का यूज़ किया जाता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। यानी ये वो समय होता है, इसी बेस पर, इस चीज़ को, जो भी आपने चीज़ें इस समय तैयार की होती हैं उसी से ही आपको चंद्रमा को अर्घ भी देना होता है। क्योंकि ये शुभता की वो सीढ़ी होती है जिस पर चढ़ कर के आप चंद्रमा के अर्घ भी देंगे और साथ के साथ अपनी सफलता भी पाएंगे। जिस भाव से आपने व्रत रखा है वो भाव भी आपका पूर्ण होगा। अब आती है बात कि करवा चौथ की थाली कैसे सजानी चाहिए, यानी क्या चीज़ें होनी चाहिए आपकी थाली में, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मिस नहीं होनी चाहिए आपकी। यानी बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि हम लोग रखते रहते हैं, बहुत सारा सामान रख देते हैं। कई बार हम लोग ना, महिलाएं जो हैं वो कंपटीशन बड़ा करती हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, उसकी थाली में बहुत ज़्यादा सामान है तो एक काम करते हैं, तो थोड़ा सा कुछ और डाल देते हैं, भले ही उसको ढक लेंगे पर देखने में लगे कि फूली फूली भरी भरी सी। ये दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी पूजा में, दिखावा तो होता ही नहीं। तो उसे तो सबसे पहले साइड पर कर दीजिए, जिसने जो रखना है उसे रखने दीजिए, आपने क्या रखना है वो जानिए आप। अगर किसी ने ज़्यादा भर दी है तो उससे क्या होगा, भाव में कमी रह जाएगी। तो थाली आप बहुत सारी भर लीजिए, उससे क्या होने वाला है, आपके भाव अच्छे होने चाहिए। और शुभता की वो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जो कि नेसेसिटी होती है, जो कि ज़रूरी होती है। सबसे पहले जो थाली आप प्रयोग में लाते हैं वो थाली आपकी, वो थाली नहीं होनी चाहिए जिसमें आप अन्न ग्रहण करते हैं, यानी खाना खाया होता है। कभी खाना खाने वाली थाली का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर फ्रेश है बहुत अच्छी बात है, या फिर कोई ऐसी थाली है जिसका आप पूजा में बार बार प्रयोग करते हैं तो उस थाली का प्रयोग करें। दूसरा, थाली इसीलिए जूठी वाली नहीं प्रयोग में लाई जाती है क्योंकि कभी हम उसमें सात्विक भोजन करते हैं, कई बार उसमें तामसिक भोजन किया होता है, और तामसिक में लहसुन प्याज भी आता है। ध्यान रखिएगा, तामसिक में सिर्फ जो हमारा माइंड सीधा चला जाता है वहाँ वहाँ नहीं, लहसुन प्याज भी तामसिक भोजन में आता है। तो इसका मतलब हुआ कि जिस पे भोजन किया जा गया होता है उस थाली का प्रयोग नहीं करना है, फ्रेश थाली का प्रयोग कीजिए। अदरवाइज जो अपने घर में आप पूजा करते हैं, आपकी थाली बार बार पूजा के लिए यूज़ हुई है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो भले ही आप नई ना लीजिए लेकिन पूजा वाली थाली का प्रयोग आप कर सकते हैं। शुद्ध कीजिए उसे, गंगा जल से शुद्ध कीजिए, क्योंकि गंगा जल हर चीज़ को पवित्र, एक बूंद पूरी एक बकेट को अगर पवित्र, पूरे समुद्र को पवित्र कर सकती है तो एक छींटा मात्र से आपकी थाली पवित्र होती है। करवा चौथ शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कितने बजे करें पूजा? दोपहर 12 बजे मेरे YouTube चैनल की इस वीडियो को जरूर देखें। फिर आती है बात कि हमें शुभता प्रदान करने वाली चीज़ें रखनी चाहिए उसमें, लेकिन सबसे पहले शुभता का चिन्ह तो बना लीजिए। थाली के बीचों बीच आपने स्वास्तिक बनाना है रोली से, प्रैक्टिस कर लीजिए सारी महिलाएं, बाकी सारी चीज़ें आती हैं आपको। स्वास्तिक ठीक नहीं बनता जी, लेकिन बनाना है आपने। आप सीधा बने, टेढ़ा बने, कैसा बनाए, कोशिश कीजिए बिल्कुल सीधा बनाने की। नहीं हो तो अब आज सासू माँ बड़े काम आने वाली है, सासू माँ से पूछिए स्वास्तिक कैसे बनाना है। ऐसे हम नहीं सीखना चाहते ना कुछ चीज़ें, लेकिन ये वाले काम तो आप सीखेंगे, ज़रूर पूछ लेंगे कि आपने कौन सी चीज़ का जो है प्रयोग कैसे करना है। और आपने स्वास्तिक बनाना है रोली के साथ, और तब आपने कुछ चीज़ें रखना शुरू करनी है। उसमें चीज़ें आपने क्या क्या रखनी है, नारियल, और नारियल भी आपको पता है कि जटा वाला नारियल रखा जाता है, यानी पूर्ण पूर्ण नारियल रखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि इसको छीलना ना पड़े, वो टाइम लगता है ना, मेहनत बड़ी लगती है भाई, सब दिन भर का व्रत रखा, छीलेगा कौन? अरे बाद में छील लीजिएगा,
लेकिन रखिएगा पूर्ण वाला, पूर्ण नारियल ही रखा जाता है। जो बालों वाला नारियल जिसे आप कहते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं हेयर्स उसके ऊपर, वो कंप्लीट वाला नारियल रखना है। और उसमें साथ में अपने करवा, करवा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये मिट्टी का वो पात्र होता है जो जल से भरा जाता है, और इसी जल का सेवन आपने रात्रि में व्रत खोलने के समय पर करना होता है। तो करवा आपने मिट्टी का ही ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी से शुद्ध तो कुछ है भी नहीं है। तो मिट्टी का ही करवे का प्रावधान है। फिर आती है उसमें कि उसको कवर करना, ढकना, यानी उस जल को सबको नहीं दिखाना है। ये वो जल देवीय जल होता है जो आपने तैयार किया है अपनी स्वस्थता के लिए, और आपने जिनके लिए व्रत रखा है उनकी स्वस्थता के लिए, और इसी से ही चंद्रमा को अर्घ भी दिया जाता है। तो आपने जो जल रखा है वो हर किसी की नज़र में नहीं डालना, क्योंकि वो स्वयं आपने पीना है, और उसे जल को ढक दीजिएगा। ढक करके तब आप एक साथ में दीपक रखिएगा, और शुद्ध देसी घी का ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है जो पूजा की थाली में इस्तेमाल किया जाता है। पंचमेवा, पांच तरह की मेवा का भोग लगाया जाता है। जब हम कहते हैं अर्घ भी देते हैं तो उसमें भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पांच तरह का मेवा शुभ माना जाता है। मिठाई, मिठाई ज़रूर रखने, मिष्ठान ज़रूर रखना है। अब मठरी का बहुत प्रयोग किया जाता है, वो तो सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ फेनियाँ डालते हैं, कुछ मठरी रखते हैं, रख सकते हैं आप, सारी चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्हें मिस नहीं, उनमें से ये चीज़ें मिस नहीं करनी है। श्रृंगार की बात करते हैं, क्योंकि ये व्रत, ये उन महिलाओं का व्रत होता है जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, या फिर जिनकी रिश्ता तय हो चुका होता है। अब अपनी अपनी मर्जी से सबने रखना शुरू कर दिया है, रख दीजिए, वो आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं उसमें कोई कई परहेज नहीं है, लेकिन ये व्रत सुहागिन महिलाएं ही रखती हैं, या फिर जिसका रिश्ता तय हो चुका है, शादी के बंधन में बस कुछ ही दिनों में बंधने वाले हैं, कन्फर्मेशन कन्फर्म्ड होते हैं, उन्हें ये व्रत करना चाहिए। या फिर ये व्रत भगवान गणपति के लिए भी रखा जाता है, कुछ लोग गणपति का व्रत भी रखते हैं, रख सकते हैं, लेकिन आप संकल्प गणपति का ही लेकर के, तो फिर आपको ये करवा, ये थाली, ये नहीं करनी है। अगर आप गणपति के लिए व्रत रख रहे हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो सेपरेट हैं, सेपरेशन में हैं, नहीं रहती हैं पति के साथ, बट वो ये व्रत रखना चाहती हैं, तो संतान के, उत्तम संतान और संतान की स्वस्थता के लिए, अपनी स्वस्थता के लिए गणेश भगवान का व्रत, क्योंकि चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की भी तो है, तो ये गणेश जी का व्रत भी कहा जाता है। तो आप अगर के नहीं आप पति का व्रत रखती हैं, तो आप गणेश जी का व्रत रखिए, आप, आपकी स्वस्थता होगी, आप खुश रहेंगी, तो आप चतुर्थी तिथि का व्रत संकल्प लेकर के रख लीजिए। 16 श्रृंगार, ये गृहिणियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, सुख शांति के लिए व्रत रखा है, 16 तरह का श्रृंगार। अब 16 कला का चंद्रमा को आपने अर्घ देना है, तो 16 तला का जो श्रृंगार है वो आपने ज़रूर इसमें रखना है, और 16 ही होने चाहिए। मिस कर देते हैं, हमें बना बनाया पैकेट उठाते हैं रख देते हैं, उसमें से पहले 16 हो, 12 हो, 13 हो, करो कि कौन से कला कौन सी देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपको तो मालूम है ना कि आपने क्या रखा है इसमें। हमने कहा ना, भाव में कमी नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट 16 तरह की चीज़ें ही इसमें रखी जाती हैं, पूर्ण श्रृंगार कहा जाता है इसे। और हम कहते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में बड़े कष्ट हैं, ये हैं, वो तो चीज़ें पूर्ण नहीं करते हैं, अधूरे में हम काम करते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चीज़ें पूरी 16 ही होनी चाहिए। फल ज़रूर होना चाहिए, फल रखा जाता है, और इसके अलावा आपने धूप रखते हैं, इसके अलावा आप जो कोई अपनी इच्छा की, जैसे पंचमेवा में जैसे कुछ लोग सिर्फ बादाम रखते हैं, तो डिपेंड करता है आपने क्या चीज़ें, लेकिन जल और साथ के साथ स्वास्तिक, 16 कला का श्रृंगार, 16 कला का श्रृंगार मीन्स 16 श्रृंगार, और मिठाई, धूप बत्ती,
और साथ के साथ जोत, ये सब चीज़ें तो बहुत ज़रूरी होती है। मिट्टी का करवा ये ज़रूर होना चाहिए आपके थाली में। इसके अलावा जो आपकी विधि विधान है, जो आपके रिचुअल्स हैं, वो सारी चीज़ें भी आप उसमें डाल सकते हैं, रख सकते हैं। ऐसे करनी है थाली तैयार, तब आपने करनी है पूजा, और फिर उसके बाद देना है रात्रि का अर्घ चंद्रमा को। उसके बाद होगी आपकी पूर्ण यानी संपूर्ण ये व्रत की विधि। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा कि थाली कैसे तैयार करनी है, और बहुत आसान तरीका है, बहुत ही कम चीज़ें हैं बट शुभता की चीज़ें हैं, जिससे आपके जीवन में हमेशा शुभता बनी रहेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।